अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल क्लाइमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आए हम आपको बताते हैं तरीक़ाकार के कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्लूक कंपनी का मीटर है, इसका मॉडल है 302+ क्लब मीटर। यह अब ऑफ है, मैं इसको आपको फंक्शन बताता हूँ कि इसके क्या क्या फंक्शन है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको इसकी लीडें लगा लेंगे। ये इसकी लीडें हैं और ये आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक। हम लोग ब्लैक में ब्लैक लगा देंगे और रेड में रेड लगा देंगे। अब ऑफ है, इधर एसी वोल्ट चेक किए जाएंगे, इधर डीसी वोल्ट चेक किए जाएंगे, इधर कंटिन्यूटी चेक की होगी और यहाँ पे अम्पेयर चेक किए जाएंगे। इसको मैं आपको वन बाई वन जो है ना आपको ऑन करके प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चले बढ़ते हैं काम की तरफ। ऑन कर दिया है, ये लिखा हुआ आ रहा है वी एसी, मतलब कि एसी वोल्ट हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें हम लोग सिंगल फेज भी चेक कर सकते हैं और थ्री फेज भी चेक कर सकते हैं। अगर आप रात के टाइम अगर वोल्ट चेक करना करेंगे तो ये डिस्प्ले जो है ना आपको नहीं दिखेगी। तो ये इसके लिए ये लाइट का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी। अब मैं आपको सिंगल फेज वोल्ट चेक करके तरीका बताता हूँ। आए ओके, यहाँ भी लगा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये लीड है, इसके जो एक रेड है और ये ब्लैक है। तो ये मेन ब्रेकर है, इसमें पावर आ रही है ऑलरेडी। और हम आपको पहले सिंगल फेस चेक करके बताएंगे कि सिंगल फेस कैसे चेक किया जाता है। तो ये ब्लैक वाली जो वायर है हम लोग इसको रखेंगे न्यूट्रल पे। ओके, ये न्यूट्रल पे रख दी और ये फेस वन पे रखेंगे। ये फेस वन पे रखते हैं, ये देखो कि 332 वोल्ट दिखा रहा है, 332.3। ये हमारा सिंगल फेस चेक होगा। वैसे ये फेस वन है और ये फेस टू है। फेस टू पे भी आप देख सकते हैं 234.89 इतने वोल्ट आ रहे हैं। और ये फेज़ थ्री में भी 237.3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सिंगल फेस वोल्ट चेक हो गया। अब हम लोग थ्री फेस वोल्ट चेक करना चाहते हैं। तो थ्री फेस वोल्ट कैसे चेक करेंगे, इधर से आपने फंक्शन कुछ भी नहीं छेड़ना, ये इधर ही रहेगा। तो अब आपने थ्री फेस कनेक्शन चेक करना है और कैसे चेक करेंगे, तो ये दो वायर हैं और ये फेस वन पर रखनी है और दूसरी रखनी है फेस टू पर। तो ये आप देख सकते हैं 403.3, ये हमारा थ्री फेस वोल्ट है। और उसके बाद फेस थ्री पे रखेंगे एक और एक फेस वन पे, ये देखो 406 वोल्ट आ रहे हैं। और ये फिर हम लोग फेस टू और थ्री चेक करेंगे, फेस टू और थ्री चेक हो रही है, ये 407 बता रहा है। जी दोस्तों, ये हमारा सिंगल फेस वोल्ट भी टेस्ट हो गया और थ्री फेस भी हो गया। अब हम आपको बताएंगे डीसी वोल्ट के बारे में। ये हमारे पास ये चार्जिंग मशीन है, यहाँ पे हमारे को डीसी वोल्ट चेक करने के लिए कोई बैटरी तो नहीं है, अभी फिलहाल यही है। तो आप डीसी वोल्ट कैसे चेक करेंगे, या फिर कार की बैटरी हो तो वहाँ चेक कर सकते हैं डीसी वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये चार्जिंग मशीन किसकी निकालेंगे बैटरी, तो आपको ये डीसी वोल्ट चेक करना पड़ेगा। मीटर को जो है मैं डीसी पर रख लेता हूँ डीसी वोल्ट चेक करने के लिए। और मेरे पास ये ब्लैक लीड और रेड लीड है और ये बैटरी है, इसे हम लोग चेक करेंगे। इसमें एक ये प्लस का निशान है और ये माइनस का निशान है, और जो प्लस का जो निशान है वो रेड वायर रखेंगे। और मेरे पास ये दो वायर है, रेड और ब्लैक। रेड वाले जो वायर है वो प्लस पे रखेंगे यहाँ पे, और ये माइनस पे रखेंगे। और ये हमारे डीसी वोल्ट शो हो रहे हैं, 17 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।